देखो, पीसी बिल्ड करना हर एक बंदे का शौक होता है। ऐसे में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि अपन का भी एक नया पीसी हो। ऐसे में मैं भी अपना नया पीसी जब बिल्ड किया था, मुझे भी बहुत ज़्यादा मजा आया था। सो आज के दिनों में आके 2022 में क्या हम लोग 60,000 रुपये के अंदर एक ऐसा पीसी बिल्ड कर सकते हैं जिसके अंदर एक 24 इंच का मॉनिटर रहेगा, जिसमें 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, IPS LCD स्क्रीन रहेगा। क्या इस पीसी के अंदर एक ऐसा ग्राफिक्स कार्ड हो सकता है जिसके अंदर हम लोग GDDR6 वाले ग्राफिक्स कार्ड में गेमिंग, एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर पाए? एंड इस पीसी के अंदर क्या 6-core 12-thread का कोई AMD का प्रोसेसर हो सकता है? इसके अलावा भी RGB गेमिंग माउस कॉम्बो वगैरह बहुत सारा कुछ हो सकता है 60,000 के अंदर? कैसे पॉसिबल होगा? आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, पूरा कुछ पता चल जाएगा। अगर आपका बजट है 60,000 रुपया, आप एक पीसी बिल्ड करना चाहते हो फुल गेमिंग सेटअप के साथ, तो इस पीसी बिल्ड को जरूर देखो। आपको मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा मतलब मजा आ जाएगा यार, आप पीसी बिल्ड भी कर सकते हो। सारे कंपोनेंट्स का लिंक आपको मिल जाएंगे हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो में टाइम ना वेस्ट किया आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। पीसी बिल्ड रिलेटेड वीडियोस या फिर लैपटॉप रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल में देखने को मिलते रहते हैं। चलिए गाइस, आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो स्पॉन्सर किया है RoyalKey.in ने। अगर आप 100% जेन्युइन ओरिजिनल कीज खरीदना चाहते हो अपने पीसी या फिर लैपटॉप के लिए, तो यहाँ पे RoyalKey.in आपको दे रहा है बिल्कुल जेन्युइन 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट की। इनके वेबसाइट पे आके अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा उनके सारे प्रोडक्ट्स कीज, जहाँ पे आपको विंडोज 10 प्रो का रिटेल की सिर्फ और सिर्फ 599 रुपया में या फिर विंडोज 10 प्रो का OEM की 550 रुपये में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही इजीली आप इनको बाय कर सकते हो। लाइक विंडोज 10 प्रो का अगर रिटेल की मैं बाय करने जाता हूँ तो यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट करना पड़ेगा, देन यहाँ से डायरेक्ट आपको चेक इट आउट करना पड़ेगा एंड अपने सारे ऑप्शंस एंड डिटेल्स यहाँ पे भरने के बाद आपको सिर्फ प्रोसीड करना पड़ेगा। UPI के थ्रू आप बड़े आराम से यहाँ पे विंडोज की जो जेन्युइन कीज है इस वाले वेबसाइट से परचेज कर सकते हो। पीसी बिल्ड करने से पहले बहुत सारे लोग सोचते हैं पीसी के बारे में, लेकिन पीसी बिल्ड करने के बाद आपको एक की परचेज करना पड़ता है जो कि विंडोज का की होता है। अब ऐसे में विंडोज का की जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाता है। अगर आप जेन्युइन की परचेज करना चाहते हो, लाइक मैंने भी किया है, अगर करना चाहते हो तो इस वेबसाइट को जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और मेरा कोड अगर आप लोग लगा लेते हो तो इंस्टेंट 50 रुपया का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट राइट नाउ। अब कुछ बातें बता दूं, देखो ऐसे में बहुत सारे लोग दुकान में चले जाते हैं, लोकल स्टोर में जाते हैं और वो लोग यार अपनी तरीके से पीसी बिल्ड करके देते हैं, पैसा भी बहुत ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। आप ऐसा बिल्कुल मत करना। इस वीडियो को अंत तक देखो, अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिलता है मेरे को कमेंट में जरूर बताना, थैंक यू बताना जरूर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीसी के प्रोसेसर के बारे में। आज की इस बिल्ड के अंदर मैं 60,000 रुपया इस्तेमाल कर रहा हूँ एक पीसी बिल्ड करने में, मैंने कौन सा प्रोसेसर चूज किया? बहुत सारे लोग बताएंगे इंटेल वाला ले लो 12th generation, बहुत सारे लोग AMD पे जाएंगे। आज का बिल्ड होने वाला है AMD के ऊपर। मैंने इंटेल का बिल्ड भी किया था, अब मैं जो बिल्ड करने जा रहा हूँ ये इंटेल के ऊपर नहीं, AMD के ऊपर करने जा रहा हूँ। ये जो प्रोसेसर है ये AMD की तरफ से आता है, AMD का Ryzen 5 5600G। इसके अंदर आपको इनबिल्ट ग्राफिक्स देखने को मिलता है। अब बहुत सारे बंदे बताएंगे भाई आपने जो बताया इसके अंदर ग्राफिक्स है, इसका मतलब इस बिल्ड के अंदर 60,000 रुपया में भी आपने ग्राफिक्स कार्ड चूज नहीं किया। आप बिल्कुल ही गलत हो। मैंने इस बिल्ड के अंदर जो ग्राफिक्स कार्ड चूज किया वो भी RX सीरीज में आता है AMD की तरफ से। आपको बाद में इसके बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। बाकी इस प्रोसेसर के अंदर आपको 6-core 12-thread देखने को मिलेंगे, 19MB का कैश मेमोरी देखने को मिल जाएगा, DDR4 3200 MHz का रैम मिलेगा, अप टू 4.4 GHz तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड है और इस वाले प्रोसेसर का जो बेस क्लॉक स्पीड है वो 3.9 GHz तक का है। सो ये चीज बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा इस वाले प्रोसेसर में आपको Radeon Vega 8 ग्राफिक्स देखने को मिलेगा। अब जैसे कि बताया ग्राफिक्स कार्ड में अलग से ले रहा हूं तो इस वाले ग्राफिक्स के ऊपर ध्यान मत देना। फिर भी अगर कोई ग्राफिक्स कार्ड ना लेके इस बिल्ड को करना चाहते हो ना, 50,000 से नीचे में ये बिल्ड चला जाता है। सो अगर ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो इस बिल्ड को देखो, अगर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो, जो कि मैं आगे जाके आपको बता रहा हूँ। बाकी इसके प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये वाला प्रोसेसर आपको Amazon पे 15,370 रुपया में देखने को मिल जाएगा, अभी करंट प्राइस चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। दोस्तों AMD का ये जो प्रोसेसर है ये सिर्फ और सिर्फ AMD के जो A4 सॉकेट होते हैं उसमें ही लगते हैं। तो आज हमने जो मदरबोर्ड चूज किया वो भी एक बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड है। ऐसे में बहुत सारे लोग चीप क्वालिटी के मदरबोर्ड यूज करते हैं, उसमें क्या होता है बाद में जाके जो मदरबोर्ड है वो पूरा जल जाता है। आपको एक हाई एंड
प्रोसेसर लेना है, इसका मतलब एक हाई एंड मदरबोर्ड भी आपको लेना चाहिए। इसके लिए मैंने जो मदरबोर्ड चूज किया वो ASRock की तरफ से आता है, ASRock का B450M Pro 4 नाम का एक मदरबोर्ड। ये जो मदरबोर्ड है ये AMD AM4 सॉकेट के अंदर आता है, और यहाँ पे जो मदरबोर्ड है इसके अंदर जो हीट सिंक है वो भी बहुत ही बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। इस वाले मदरबोर्ड के अंदर दो M.2 स्लॉट देखने को मिल जाता है। ये जो डुअल M.2 स्लॉट है इसके अंदर पहला जो स्लॉट है वो आपको एक हायर M.2 स्लॉट मिलता है, अल्ट्रा M.2 स्लॉट आप इसको बता सकते हो, जिसमें अल्ट्रा M.2 SSDs आप लगा सकते हो। सो दो M.2 SSDs में मिलता है, 6 SATA पोर्ट्स आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो यार स्टोरेज के मामले में तो मदरबोर्ड बहुत ही बेहतरीन है। बाकी हीट सिंक्स भी इसके अंदर भरे पड़े हैं, 4 यहां पे आपको रैम स्लॉट देखने को मिलेंगे। डुअल चैनल पे भी आप इसका रैम इस्तेमाल कर सकते हो इस वाले मदरबोर्ड के अंदर। यहां पे आपको 3200 MHz तक का DDR4 रैम सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ओवरक्लॉकेबल मदरबोर्ड है, आप OC एडिशन वाला मदरबोर्ड लो, ऐसा ही मैं सजेस्ट करता हूं। इसीलिए ये वाला मदरबोर्ड भी मैंने OC एडिशन वाला ही चूज किया। बाकी इसके अंदर आपको मिल जाएंगे बहुत ही अच्छे प्रीमियम पावर वाले चोक्स, एंड यहां पे इसके अंदर आपको 3 ईयर्स तक का वारंटी भी ASRock की तरफ से दिया जा रहा है। मैं पर्सनली अपने PC के अंदर ASRock का मदरबोर्ड यूज करता हूं, ऐसा नहीं कि मैं यूज करता हूं इसलिए बताया। बाय द वे ये जो मदरबोर्ड है ये भी बहुत ही बेहतरीन है। यहां पे प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये मदरबोर्ड आपको बहुत ही अच्छी प्राइस में मिल जाएगा, लाइक MD कंप्यूटर्स के अंदर ये आपको 6,499 रुपया पे देखने को मिल जाएगा। 6,500 के अंदर बहुत ही बेहतरीन मदरबोर्ड है। मैं और भी ब्रांड्स पे जा सकता था बट इसके अंदर जो जो आपको फीचर्स मिलते हैं वो मच बेटर है। अब रैम के बारे में बात करेंगे। दोस्तों रैम एक बहुत ही बेहतरीन चीज होता है PC बिल्ड करने वक्त, चूज करने में बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। सो ऐसे में एक ऐसा रैम आपको लेना चाहिए जिसमें आप बाद में जाके उसको ओवरक्लॉक भी कर पाओ, और उसके अंदर जो हीट सिंक्स है वो भी बहुत ही बेहतरीन हो ताकि ओवरक्लॉक के टाइम पे वो जल ना जाए। ऐसे में मैंने जिस रैम को चूज किया वो आता है Corsair की तरफ से आने वाला Corsair Vengeance 8GB का DDR4 3200 MHz वाला रैम। ये हाई परफॉर्मेंस ओवरक्लॉकेबल को सपोर्ट करता है, मतलब आप जब गेम खेलोगे ना इसको ओवरक्लॉक भी कर पाओगे भाई। यहां पे आपको XMP 2.0 प्रोफाइल का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके चारों तरफ आपको एल्युमिनियम का हीट सिंक्स देखने को मिल जाएंगे। प्राइस भी बहुत ही एग्रेसिव है। ये जो रैम्स है ये आपको 8GB का स्टिक मिल जाएगा 2,339 रुपया में वेदांत कंप्यूटर में। तो ये जो MD कंप्यूटर वेदांत कंप्यूटर बता रहा हूं ना, ये कोलकाता के बहुत ज्यादा ब्रांडेड और जेन्युइन दुकान है। मैंने खुद पर्सनली इनके तरफ से मेरा जो PC है उसको बिल्ड करवाया। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, आप वहां से जाके डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। बाय द वे आज की इस वीडियो के अंदर मैंने यहां पे एक 8GB का सिंगल स्टिक यूज किया। बाद में जाके फ्यूचर में अगर आपको अपग्रेड करना है तो आप और एक स्टिक यहां पे लगा सकते हो, सेम आपको रैम खरीदना पड़ेगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में। देखो ऐसे में बहुत सारे ग्राफिक्स कार्ड रहते हैं, पावर सप्लाई बहुत ज्यादा देना पड़ता है, और हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं नॉन मॉड्यूलर पावर सप्लाई जो होते हैं और उसमें कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं रहता, वो सारे परचेस करके बैठते हैं। बाद में आगे क्या होता है, सारा जो कंपोनेंट्स है उसमें पावर अच्छी तरीके से ना पहुंचने के लिए वो जल जाता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने यहां पे एक 80 प्लस ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई को चूज किया, जो कि मैं खुद पर्सनली अपने PC में यूज करता हूं। ये आता है गीगावाइट की तरफ से, गीगावाइट का P550B नाम का एक 80 प्लस ब्रोंज पावर सर्टिफाइड पावर सप्लाई। ये जो पावर सप्लाई है ये 3 इयर्स वारंटी के साथ आता है। यहाँ पे आपको प्रीमियम ब्लैक कलर में ये जो पावर सप्लाई है देखने को मिल जाएगा, कोई अनाप शनाप कलर का वायर्स इसके अंदर नहीं मिलता। इसके अंदर आपको 120mm का एक साइलेंट फैन देखने को मिल जाएगा, ऑल टाइप प्रोटेक्शन अवेलेबल है। और प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपया में आपको MD कंप्यूटर्स के अंदर देखने को मिल जाता है। लिंक इन डिस्क्रिप्शन बिलो, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। बाद में आके अगर आपको 3050 Ti जैसा भी ग्राफिक्स कार्ड लगाना है ना, ये आराम से झेल लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद जो कंपोनेंट मैं यूज करने जा रहा हूँ वो एक M.2 SSD है, बिकॉज अभी SATA SSD बताओ या फिर हार्ड ड्राइव का जो टाइम है वो निकल चुका है। 10 साल पहले की टेक्नोलॉजीज थे सारे, अभी जो M.2 SSD है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो आज की इस बिल्ड के अंदर भी मैंने एक 500GB का NVMe M.2 SSD चूज किया, जो कि आता है क्रूशियल की तरफ से, क्रूशियल का P2 500GB का एक NVMe M.2 SSD। ये अप टू 2400 MB से चलता है, और यहाँ पर सेकेंड में आपको बहुत ही अच्छा रीड एंड राइट स्पीड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको हीट सिंक भी बहुत अच्छा दिया गया है क्रूशियल की तरफ से। ये जो P2 सीरीज है बहुत ही पॉपुलर है Amazon के अंदर, ये आपको सिर्फ और सिर्फ 3,200 रुपया में देखने को मिल जाएगा। ये PCIe Gen 3 को भी सपोर्ट करता है। ये जो SSD से है ये बहुत ही अच्छा है, और इसको आप अपने जो मदरबोर्ड मैंने बताया उसमें अल्ट्रा M.2 स्लॉट है उसमें लगा के अपना सारा काम बड़े आराम से कर सकते हो। बाकी मदरबोर्ड में और भी पोर्ट्स मिलते हैं, SATA पोर्ट्स, और एक एक्स्ट्रा M.2 स्लॉट है। बाद में आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो, स्टोरेज बढ़ाना चाहते हो, तो आप आराम से यहाँ पे परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैबिनेट के बारे में। ये PC का घर होता है दोस्तों। इतने सारे कंपोनेंट्स परचेस करने के बाद
बाद आपको इसको एक जगह पे संभाल के रखना है, जिसको मैं ऑलरेडी यहाँ पे पीसी का घर बताता हूँ हर एक वीडियो के अंदर। सो ये जो कैबिनेट है, ये गेमिंग टाइप का कैबिनेट मैंने चूज़ किया आज के वीडियो में। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, 800-900 रुपया में कैबिनेट खरीद के लाते हैं लोकल मार्केट से। उसमें दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और बेकार हो जाता है। अगर इतना पैसा खर्च कर रहे हो, एक अच्छा कैबिनेट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट चूज़ किया, जो कि एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आता है, ICE 130AG। ये एक मिड टावर गेमिंग कैबिनेट है। इसके अंदर आपको ATX, माइक्रो ATX, मिनी ITX सारे मदरबोर्ड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाता है। इस वाले कैबिनेट के अंदर आपको सेपरेट PSU राउट देखने को मिल जाएगा। सिंगल साइलेंट फैन मिलता है, एक ब्लैक कलर का 120mm का। आप चाहो तो यहाँ पे लिक्विड कूलर भी बड़े आराम से लगा सकते हो। एंड आपको सारे पोर्ट्स, बटन्स वगैरह आपको कैबिनेट के अंदर देखने को मिल जाता है। सामने में एक LED स्ट्रिप मिलता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। और आप इसके अंदर बहुत सारे फैंस लगा के इसको बहुत ही चमकीला सा बना सकते हो। सो पूरा मेटल बॉडी के साथ आता है और बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है। अमेजोन के अंदर इसका प्राइस 2856 रुपया है। इसका प्राइस थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता रहता है, और भी कम प्राइस में मिल जाएगा। कुछ दिन बाद जाके आप परचेज कर सकते हो, या फिर अभी भी ले सकते हो। इसका प्राइस मेरे को ठीक लगा, और आप चाहो तो मेरा वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैं जो यूज़ करता हूँ वो ICE 120AG है, और ये 130AG है। मेरा वाला 500 है, 2500 रुपया, और इसका प्राइस थोड़ा सा 356 रुपया ज़्यादा है। सो आप चाहो तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से डायरेक्ट आप ऑर्डर कर सकते हो। ये तो सारे गए अपने PC कंपोनेंट्स, और PC का सारा चीज़ मैंने यहाँ पे बिल्ड करके दिया। अब हमें पेरिफेरल्स देना है। पेरिफेरल्स जो है वो हमारा माउस एंड कीबोर्ड है, एंड अपना मॉनिटर है और स्पीकर है। तो ये सारे चीज़ भी आज के इस बिल्ड के अंदर रहेगा। आप लोग सोच रहे हो भाई 60,000 रुपये के अंदर इतने सारे चीज़ें हो जाएगा? बिल्कुल होगा। मैं लास्ट में जाके आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। सबसे पहला चीज़ जो है पेरिफेरल्स में, नंबर वन जो है मॉनिटर। अब आप एक गेमर हो, गेम खेलना चाहते हो, या फिर आप सपोज़ यहाँ पे वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो लाइक मैं जैसे करता हूँ, तो इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मॉनिटर चाहिए। अब इतना पैसा दे रहा हूँ भाई, हमें तो मॉनिटर चाहिए ही चाहिए। तो आज की इस बिल्ड के अंदर मैंने 24 इंच का एक मॉनिटर लिया, जो कि IPS स्क्रीन के साथ आता है। मैंने कोई VA या फिर TN पैनल वाला बेकार मॉनिटर चूज़ नहीं किया। सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग का 24 इंच का IPS मॉनिटर मैंने चूज़ किया, जो कि फुल्ली बेजललेस डिस्प्ले के साथ आता है। और यहाँ पे आपको एक एंटी ग्लेयर पैनल देखने को मिलता है। IPS फुल HD मॉनिटर है। 75Hz तक का रिफ्रेश रेट आपको इसके अंदर मिल जाएगा, और 75Hz में आपको पता है कैसा गेम खेल सकते हो आप लोग। साथ ही साथ इसका जो लुक है, पूरा गेमिंग लुक यहाँ पे आपको प्रोवाइड करता है। स्टैंड भी बहुत ही अच्छा है। इसमें आपको फ्लिकर फ्री टेक्नोलॉजी मिल जाएगा, AMD का फ्रेजिंग है, और यहाँ पे रिस्पांस टाइम भी आपको 7-8 ms तक का देखने को मिल जाता है। ये चीज़ भी बहुत सही लगा मेरे को। और हाई ब्राइट पैनल मिलेगा, जो कि सैमसंग की तरफ से आता है। HDMI D सब पोर्ट एंड VGA पोर्ट आपको सारे पोर्ट्स इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो जो बटन्स चाहिए वो सारे बटन्स मॉनिटर के अंदर अवेलेबल है। सो इस मॉनिटर को आप लोग ग्रैब कर सकते हो अमेजोन की तरफ से, 10,100 रुपया में मिल जाएगा। बहुत ही एग्रेसिव प्राइस में अभी मिल रहा है, जल्दी से परचेस कर लो, आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट वहां से ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट जो कंपोनेंट के बारे में बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है, ग्राफिक्स कार्ड। बहुत सारे बंदे इसके लिए वेट कर रहे थे, मेरे को पता है। अगर वेट कर रहे थे एक लाइक कर दो वीडियो पे। खैर, आज का जो ग्राफिक्स कार्ड है, मैंने AMD का ग्राफिक्स कार्ड चूज किया, उनका खुद का रेडियन सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड। इसका जो नेम है ASUS की तरफ से, ASUS का डुअल RX 6400 नाम से आता है, और ये 4GB VRAM के साथ आता है, और OC एडिशन है। यहाँ पे आप ओवरक्लॉक भी इसको कर सकते हो। ये वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है, ये 64-bit वाला ग्राफिक्स कार्ड है, GDDR6 मॉडेम पे आता है। AMD का रेडियन चिपसेट में ये जो ग्राफिक्स कार्ड है आधारित है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले पोर्ट, HDMI, DP पोर्ट देखने को मिल जाएगा। डुअल फैन के साथ ये वाला ग्राफिक्स कार्ड आता है। ASUS का ड्राइवर आपको इसके अंदर मिल जाएगा। 768 CUDA कोर्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ये जो 768 CUDA कोर्स है ना, ये मेरे ख्याल से एक वीडियो एडिटिंग बताओ या फिर एक गेमिंग बताओ, आप 240fps तक आराम से वेलोरेंट वगैरह खेल सकते हो। बहुत ही आराम से ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ये सर्वाइव कर जाएगा। मैं जो खुद ग्राफिक्स कार्ड यूज करता हूँ, NVIDIA का GTX 1650, उसका ही ये पेरेंट बता सकते हो। सिमिलर परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर मिल जाएगा। और इसके प्राइसिंग के बारे में बात की जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ MD कंप्यूटर्स के अंदर आपको 14,800 रुपया में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको 3 ईयर्स का वारंटी मिलेगा ASUS की तरफ से। और ASUS के परफॉर्मेंस और क्वालिटी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, सारे लोगों को पता है। आफ्टर सेल सर्विस भी इनके बहुत अच्छे होते हैं। अब ऐसे में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैंने एक IGPU यूज़ किया, बिकॉज देखो ये जो IGPU था इसके अंदर एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स था, रेडियन वेगा 8 वाला, ठीक है।
प्रोसेसर के अंदर। अब मैंने एक्स्ट्रा और एक ग्राफिक्स कार्ड लिया, क्या IGBU की जगह दूसरा कोई प्रोसेसर ले सकते हैं AMD का? आप अगर लेने जाओगे ना तो इसका जो पेरेंट प्रोसेसर है 5600X नाम से आता है, वो यार 2-3 हज़ार रुपया ज़्यादा है, तो उससे अच्छा है इसको ही ले लो भाई, सेम परफॉर्मेंस मिलेगा। और ये जो ग्राफिक्स कार्ड है ना, इसको आप आराम से AMD के साथ पेयर कर सकते हो, और AMD का ही सारा कुछ कंपोनेंट्स है इसमें, सारी चीज़ों को पेयर करके कितना बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा आपको खुद ही पता नहीं है, ठीक है। उससे अच्छा है आप जो अपना ग्राफिक्स है PC के अंदर जो प्रोसेसर है उसमें ग्राफिक्स को आप एनेबल मत करो, आप यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड को एनेबल करके चलाओ, बहुत ही बेहतरीन आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। आप बहुत सारे लोग सोचेंगे भाई PC का जो ग्राफिक्स है और अलग से जो इंटीग्रेटेड हम लोग लगा रहे हैं, क्या दोनों एक साथ काम करेंगे? नहीं, दोनों एक साथ कभी नहीं काम करता। जो आपको IGBU मिलता है अगर ग्राफिक्स कार्ड ना लगाते हो तब वो काम करता है, अब जब आप ग्राफिक्स कार्ड एक्स्ट्रा लगा रहे हो ना तो वो काम करेगा अपने प्रोसेसर के साथ, और जो IGBU था मतलब प्रोसेसर के अंदर जो ग्राफिक्स था वो डिसेबल हो जाता है। अब बात करते हैं गेमिंग और कीबोर्ड माउस कॉम्बो के लिए, ठीक है। अभी बहुत सारा कुछ बचा है, 60,000 रुपये में सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा। पहला बात है जो कीबोर्ड माउस कॉम्बो है वो कहाँ से हम लोग परचेस करेंगे? सीधी सी बात, अमेजोन से परचेस करेंगे, क्योंकि मैंने भी अपना परचेस किया था। ये जो मॉडल नंबर है ये एंड स्पोर्ट्स की तरफ से आता है, एंड स्पोर्ट्स का KM500W नाम से आता है। ये गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो है और यहाँ पे आपको एंटी घोस्टिंग कीज वगैरह बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। मैकेनिकल कीबोर्ड मत समझना, ये मेम्ब्रेन कीबोर्ड है, इसके अंदर एंटी घोस्टिंग की मिल जाएगा, RGB ब्रीदिंग मोड है, आप यहाँ पे RGB लाइट को बढ़ा सकते हो घटा सकते हो, 3 मोड मिलता है, और हैंड रेस्ट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली मेरे वाले पे नहीं था हैंड रेस्ट, खरीदने के लिए अभी भी मैं सोचता हूँ मेरे हैंड पंप पे यहाँ पे दर्द होता है जब मैं माउस को पकड़ता हूँ या फिर कीबोर्ड में काम करता हूँ। सो इस वाले कीबोर्ड के अंदर ऑलरेडी हैंड रेस्ट अवेलेबल है, और जो माउस आपको मिलता है उसमें आप DPI सेट कर सकते हो, आपको 6 बटन्स मिलते हैं DPI बटन्स को लगा के। टोटल इसका जो प्राइसिंग है अमेजोन के अंदर आपको कुछ 1300 रुपया के आसपास में देखने को मिल जाएगा, और RGB है भाई, बहुत बेहतरीन लगता है एंटी स्पोर्ट्स का। जो मैंने कैबिनेट यूज़ करता हूँ और जो कीबोर्ड माउस यूज़ करता हूँ दोनों का ही वीडियो बना के रखा है, मैं आई बटन में दोनों का लिंक दे रहा हूँ, जाके देख लेना, और इसको भी आप देख सकते हो। बाकी इन सारे चीज़ों को कुल मिला के कैलकुलेट करने के बाद आप खुद ही देख लेना फिर से, पहली बार से वीडियो प्राइस को ऐड करके मैं भी ऐड किया, टोटल जो प्राइस अभी बनता है टोटल यहाँ पे बनता है 59,461 रुपीस, ठीक है। अब 60,000 भी पूरा नहीं हुआ, अब अगर 60,000 से इसको माइनस करते हैं तो बचता है 540 रुपया। 540 रुपया में आप एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर्स परचेस कर लो, टोटल PC बिल्ड हो गया आपका, ठीक है। टोटल PC बिल्ड मैंने करवा के दिया 60,000 के अंदर। एक स्पीकर भी चाहिए होता है ना सारे लोगों को काम करते वक्त, गेम खेलते वक्त। आप चाहो तो एक हेडफोन भी परचेस कर सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट कर सकते हो। सो, अगर कोई क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। बाय द वे 60,000 के अंदर एक AMD प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना अच्छा PC बिल्ड मेरे ख्याल से आपने पहले तो नहीं देखा होगा, अगर देखा है तो कमेंट करके बताओ। बाकी आज का वीडियो मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ, मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों के साथ और एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे, कीप स्माइलिंग, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड।